we are going to take something like this. And create something like this. Hi everyone, this is Rohar from Studio 9. Studio 1 का जो ट्यूटोरियल सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कॉर्ड ट्रैक. कॉर्ड ट्रैक इज काइंड ऑफ अ मैजिक टूल जिसको यूज करके आप बहुत इजीली कोई भी गाने का बैकग्राउंड कॉर्ड्स या फिर म्यूजिकल आइडियाज जनरेट कर सकते. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि मैं सारे एपिसोड में करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका जो एप्लीकेशन है वो भी मैं दिखाऊं. तो सबसे पहले कॉर्ड ट्रैक होता क्या है, कॉर्ड ट्रैक ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा दिस वन, ये बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कॉर्ड्स आए. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये वाला साइन दिख रहा हो, ये जो कॉर्ड का साइन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं तो ये कॉर्ड ट्रैक ऐड हो जाता है. इनिशियली आपका जो कॉर्ड ट्रैक है वो ऐसे ब्लैंक रहे. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली टेक दिस पेंसिल, यहाँ पे जो पेंसिल आपको दिख रहा है पेन टूल, इसको यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे चलिए चार कॉर्ड्स हम लोग ऐड कर देते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट मेरा कॉर्ड आ रहा है दैट इज ई. व्हाई इट इज ई, क्योंकि यहाँ पे मैंने की सेट कर रखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो की है वो ई सेट कर रखा है. चलिए इसको ई माइनॉर कर देते हैं. सो दिस इज अ ई माइनॉर की. अभी यहाँ पे आप चाहे तो ये कॉर्ड ट्रैक का जो कॉर्ड्स हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं. और वो जो चेंज आप करेंगे, आपके पास जितने सारे ट्रैक्स हैं, मान लीजिए बेस गिटार का ट्रैक है, पियानो का ट्रैक है, गिटार का ट्रैक है, सब कुछ, इवन द ऑडियो मटेरियल्स विल फॉलो द कॉर्ड ट्रैक. चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा विद द एप्लीकेशंस. मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करता हूँ, ब्राउज में जाते हैं, अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं. चलिए ई पियानोस करते हैं. यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लिया है. कॉर्ड ट्रैक में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस साइड में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा. ये जो इंस्पेक्टर है ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आई बटन. ये देखिए मैं आई पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये शो हो गया. आप देख सकते हैं कॉर्ड प्रीव्यू दिया हुआ है मेरा, इसीलिए अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे वो कॉर्ड प्ले करके सुनाएगा वो. लेकिन अगर मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट रहता है, शायद आपका रह सकता है ऐसा, तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये कुछ भी नहीं सुनाएगा. या फिर मैं प्रेजेंस भी सिलेक्ट कर सकता हूं, तो प्रेजेंस का जो पैच मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसके थ्रू मुझे सुनाएगा. फिर यहां पे ऑक्टेव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑक्टेव में आपको कॉर्ड्स चाहिए, है ना. तो मैं इसको कर देता हूं फोर्थ ऑक्टेव, देखते हैं कैसा है. ग्रेट. जो ई माइनर का जो प्रोग्रेशन है वो कुछ डाल देते हैं. तो यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए ई माइनर यहां पे है, राइट. तो ई माइनर मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं. नेक्स्ट वन, यहां पे ई माइनर है तो यहां पे मैं क्या करता हूं, डी सिलेक्ट कर लेता हूं. अभी यहां पे वापस नेक्स्ट में जाते हैं तो यहां पे मैं सी सिलेक्ट कर लेता हूं. और लास्ट जो है यहां पे मैं वापस चलिए ए माइनर सिलेक्ट कर लेते हैं. तो यहां पे ये जो दिया हुआ है, ये जो चीज यहां पे दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ फिफ्थ. अगर आप कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, उसका थ्योरी पार्ट अगर आप सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली सर्कल ऑफ फिफ्थ आपको सिखाया जाएगा, विच इज अ ग्रेट थिंग. यहां पे देखिए जो ई माइनर है ना, इसके अगल बगल में मेरा बाकी के जो कॉर्ड्स हैं ये इसी स्केल का, ई माइनर स्केल का, वो मुझे मिल जाएंगे. सी जी डी ए माइनर ई बी माइनर, यही वाले कॉर्ड्स लगते हैं. मान लीजिए आपका एफ मेजर है तो आपको सी ए माइनर टी माइनर जी माइनर ई शार्प, ये सब कॉर्ड. तो ये बहुत यूजफुल चीज है. मेरा ट्यूटोरियल आने वाला है इसके ऊपर, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए. ये कॉर्ड्स अगर आप चाहते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. तो जैसे कि देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अभी ये ट्रैक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ये. अभी ये जो फीचर है जैसे कॉर्ड ट्रैक से ड्रैग करना, ये फीचर स्टूडियो 1.5.3 में है, 5.2 में नहीं है. ओके, तो अगर 5.2 में आप है तो क्या करना पड़ेगा आपको, देन यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लिप ड्रॉ करना पड़ेगा. फिर ये वाले क्लिप ओपन करके बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा. मान लीजिए ये वाला सी का मैं एक कॉर्ड डाल देता हूँ, इसके बाद मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, डी 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 डी, तीन बार रिपीट हो गया. उसका जो शॉर्टकट है वो है डी, इसको हटा देते हैं यहाँ से. ट्रैक का इंस्पेक्टर में अगर मैं जाता हूँ, ये वाला इंस्पेक्टर है यहाँ पे, यहाँ पे कॉर्ड्स करके चीज़ आपको दिखेगा, फॉलो कॉर्ड्स, राइट.
तो ये वाला फॉलो कॉर्ड्स नहीं दिख रहा है, तो ये वाला आपको शायद नीचे ऊपर करना पड़ सकता है। तो अभी अगर फॉलो कॉर्ड ऑफ है, जैसे मैं फॉलो कॉर्ड पैरेलल कर देता हूँ, अभी देखिए क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करने लगेगा। अभी यहाँ पे कुछ मोड्स हैं कॉर्ड ट्रैक का फॉलो करने का, जो है पैरेलल, जो कॉर्ड का जो इंटरनल नोट रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके शिफ्ट करेगा। इसके बाद है नैरो, सबसे नियरेस्ट जो नोट है उस की का उसमें वो मूव करेगा। और यहाँ पे बेस है, इसमें क्या होता है कि जो बेस का नोट है वो उसको रेफर करता है। तो ये तो हो गया कॉर्ड ट्रैक का डेफिनेशन। इसके अलावा भी कॉर्ड ट्रैक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं और इट कैन क्रिएट रियली वंडरफुल थिंग। डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लूप लगाता हूँ यहाँ पे। वैसे यू कैन ऑल्सो यूज VSTs। चलिए ये वाला जो ट्रैक है इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। सो स्टूडियो वन का जो खासियत है कि कोई भी आप चीज़ ट्रैक करिए, ये ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट का जो बार्स हैं उसमें सेट हो जाते हैं। का सेटिंग जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, सॉन्ग सेटअप, स्ट्रेच ऑडियो फाइल्स टू सॉन्ग टेम्पो। ये अगर आपका चेक्ड नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर चेक्ड है तो होगा। प्ले समथिंग, अभी मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन का या फिर कॉर्ड्स का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप हॉबीस्ट हैं, एज अ हॉबीस्ट आप म्यूज़िक करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो म्यूज़िक उतना अगर नहीं भी जानते हैं तो चलेगा, लेकिन प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन लेके, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ लीजिए, उसको आप सीखिए, और म्यूज़िक थ्योरी जो पार्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल रेफ़र करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे म्यूज़िक थ्योरी ट्यूटोरियल्स हैं, रेगुलरली आते हैं, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स से आई डोंट हैव एनीथिंग, सिर्फ कॉर्ड ट्रैक रहने देते हैं। चलिए अभी एक क्या करते हैं, एक कोई गिटार का लूप ले लेते हैं, या फिर अगर आप गिटारिस्ट हैं आप गिटार रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए ये जो ट्रैक है, ये जो ऑडियो फाइल है, इसको यहां पे ट्रैक कर लेते हैं। सो नाउ आई हैव समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी देखिए कॉर्ड ट्रैक का मैजिक। मैं क्या कर सकता हूं, ये जो फाइल है इसको मैंने यहां पे ट्रैक करा, ऐसे जस्ट ड्रैग इट, तो देखिए ऑटोमेटिकली, पता नहीं ये कैसे करता है ऐसा, ऑटोमेटिकली जो फाइल है उसको एनालाइज करके इसका जो ट्रैक है, इसका जो कॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे डाल दिया है। ऐसे यू हैव ऑल द कॉर्ड्स नाउ। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करता हूँ, जाते हैं प्रेजेंस में, चलिए वही वाला जो पैच था मुझे थोड़ा पसंद है वो वाला, तो वही वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यही वाला ट्रैक मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ जस्ट। ओके, सो लिसन व्हाट वी हैव नाउ। अभी देखिए, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए और एक प्रेजेंस यहाँ पे ऐड करते हैं, और लेट्स गो फॉर सम बेस नोट्स। ओके, विंटेज बेस एंड फिंगर बेस में जाते हैं। क्या है अभी, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, मतलब तीनों के तीनों जो नोट्स हैं वो आ जाएंगे। मैं क्या करूँगा, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड करता हूँ। अभी इसी में मेरा की है बी माइनर, तो इसको ओपन करके मैं एक बी माइनर का नोट लगा, या फिर इफ यू वांट तो हम लोग थोड़ा पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा वन ऑक्टेव डाउन कर देते हैं, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ओके, शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो ये नीचे आ गया। अभी क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट। तो यहां पे अभी फिलहाल क्या है, एक ही वाला जो बी माइनर का था, बी जो नोट था वही रिपीट हो रहा है यहां पे, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो फॉलो कॉर्ड्स था वो ऑफ किया हुआ है। अगर मैं इसका फॉलो ऑन करके बेस कर देता हूँ, देयर यू हैव इट, तो ये सारे बेस नोट्स उठा लेता है यहाँ पे। तो चलिए ये वापस एक बार सुनते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो और एक काइंड ऑफ आरपीजी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए जो माइटाई है इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लीड में जाते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। मेरे पास सारा कुछ आ गया। अभी मैं यहाँ पे एक नोट इफेक्ट्स लगाऊंगा। ओके, ये वाला यहाँ पे नोट इफेक्ट्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पास आरपीजीएटर आ गया, तो आरपीजीएटर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद का आरपीजीओ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे थिंग लेट्स लिसन टू दिस वन। यहाँ पे ऑडियो फाइल ट्रैक करके उसको भी आप फॉलो ट्रैक कर सकते हैं, ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं ये सारा जो चीज है यहाँ से अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और जो कॉर्ड ट्रैक है उसको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे दूसरा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। डी जो है इसको जी करते हैं, जी जो है इसको सी करते हैं, डी को कर देते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो गिटार है यहाँ पे ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसी वाले को मैंने डुप्लीकेट किया है, राइट। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको भी यहाँ पे फॉलो कॉर्ड्स कर देते हैं। पैरेलल इसको भी कर देते हैं पैरेलल। अभी देखिए अगर मैं अभी इसको प्ले करता हूँ सो इट विल प्ले द ई माइनर जी डी ए, राइट। अभी देखिए दिस इज द पावर ऑफ कॉर्ड ट्रैक, यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद कॉर्ड। स्टूडियो वन का जो कॉर्ड ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट आपको क्यूबेस में भी मिलेगा, जो है कॉर्ड पैड्स और कॉर्ड ट्रैक्स, जो कि क्यूबेस का एक बहुत बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा जो क्यूबेस का सीरीज है उसको आप जरूर फॉलो करिए, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने ये कॉर्ड पैड्स और कॉर्ड ट्रैक्स डिस्कस कर रखा है, आप ऊपर में क्लिक करके उसको देख सकते। अगर आप स्टूडियो वन में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरा जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो वन के एक एक चीज यहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। बहुत सारे ट्यूटोरियल अभी भी आने वाले हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल बटन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इफ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं studio9musicproduction.com। जितने सारे डिटेल्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड में यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे और एक स्टूडियो वन या फिर डॉ के एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा। तो थोड़ा सा ड्रम्स में रिवर्ब ऐड करने के बाद, थोड़ा सा इक्यू करने के बाद और थोड़ा सा गिटार को वाइट करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है।